नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रसायन शास्त्र पर, जहां मैं आपको विभिन्न आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में जानकारी देती हूं। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, साथ ही बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महामंजिष्ठादि क्वाथ, क्योंकि अभी आ रहा है सावन का महीना यानी बारिशों का मौसम, और इस मौसम में फोड़े, फुंसी, स्किन एलर्जी होना आम बात है। तो महामंजिष्ठादि काढ़ा काम आता है विशेषकर त्वचा रोगों में, जैसे एक्जिमा, पित्ती, सोराइसिस और इससे जुड़ी समस्याओं जैसे खुजली, सूजन, लालिमा, रेडनेस, त्वचा पर चकते जिसे हम स्किन रैशेस कहते हैं, उबकाई, मुहासे, फुंसी, फोड़े आदि के लिए ये एक पारंपरिक उपाय है। ये काढ़ा रक्त की गुणवत्ता को शुद्ध करता है और उसमें सुधार लाकर उनसे लड़ने की एक शक्ति प्रदान करता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल, रेचक यानी कि लेक्सेटिव, पेट को साफ रखने वाले गुण हैं, मूत्रवर्धक क्रियाओं में सहायक है, साथ ही ये त्वचा के स्वास्थ्य और रंग में भी सुधार करता है। सबसे अधिक यह रक्त की गुणवत्ता में सुधार करता है। आप जानते हैं कि अगर रक्त की गुणवत्ता सुधर जाएगी तो अपने आप आपको स्किन डिजीज से सबसे इसके अलावा ये घावों को भरने में मदद करता है। मधुमेह के कार्बन क्ले, अब आप कहेंगे कि ये कार्बन क्ले क्या होते हैं, मैंने आपको पिंडिकाएं बताई थी, तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो तो आप अगर मुझे फॉलो करते हैं तो आप समझ जाएंगे कि कार्बन क्ले क्या होते हैं। सामान्य भाषा में अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये एक ऐसे फोड़े होते हैं जो मधुमेह यानी कि शुगर के रोगियों में बहुतायत में होते हैं, क्योंकि शुगर से पीड़ित लोगों में त्वचा संक्रमण होने की जो संभावना है वो बहुत अधिक होती है और उनके शरीर को इन संक्रमणों से लड़ने में बहुत कठिनाई होती है। तो महामंजिष्ठादि काढ़ा रक्त प्रवाह में रुकावट को दूर करता है और विषहरण यानी कि डिटॉक्सिफाई करता है। ये मोटे व्यक्तियों में कुछ हद तक वजन कम करने में भी मदद करता है। मेरे पास ये दिव्य यानी कि पतंजलि का प्रोडक्ट है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, ये आसानी से मिल जाता है। अगर ना मिले तो मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप वहां से मंगा सकते हैं। बस आपको देखना ये है कि इसमें ये सभी मेन इन्ग्रीडियंट जो मैं आपको बता रही हूँ वो लिखे हैं, वो होने चाहिए। हालांकि इसमें मेंशन नहीं किए गए हैं, पर इसमें मुख्य तौर पर मंजीष, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, चित्रक, बचा, पीपली, कांतकारी, भृंगराज, हरिद्रा, खदीर, हरितकी, वरुण, विभितकी, अश्वगंधा, आमलकी, करंज, शंख पुष्पी, पर पताका, वासा, गुड़ूची, पाठा, कटुका, त्रिवृत, शतावरी, बकुची, देवदारु, उशीर, मुस्ता, भरंगी, सुंठी, मुखावाचा, इंद्रायव, पटोल, रक्तचंदन, चिरायता, विडंग, अतिविषा, निम्बा, कुटजा, बीजक, इंद्रवरुणी, महानिम्बा, दारु, हरिद्र, सारिवी। यानी कि ये जो सभी जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट बताए हैं, ये सभी इंग्रेडिएंट त्वचा रोगों में बहुत लाभकारी होते हैं। तो अगर आप मुझे ये फॉलो करते हैं तो आप ये बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियों से आप परिचित होंगे। यहाँ मैं हर औषधि के बारे में तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि फिर वीडियो आपको पता है बहुत लंबा हो जाता है और थोड़ा नीरस हो जाता है, क्योंकि मैं यहाँ आपको मेन इंग्रेडिएंट के बारे में ही थोड़ा सा परिचय दूंगी। आप थोड़ा सा धैर्यपूर्वक सुनिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि जो दवाई आप ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं और उसके क्या फ़ायदे होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मंजिष्ठा की। मंजिष्ठा की लता लंबी तथा विस्तृत रूप से फैलने वाली होती है, इसीलिए इसे योजनवल्ली कहते हैं, तथा इसका प्रयोग कपड़ों को रंगने में किया जाता है, इसीलिए इसे वस्त्र रंजनी भी कहते हैं। चरक संहिता में विसर्प यानी कि हर्पिज की चिकित्सा में इसका उल्लेख मिलता है। यह प्रकृति में मधुर, कड़वी, गर्म, हजम करने में भारी, कफ को कम करने में सहायता करती है। ये रक्त दोष के साथ प्रेमेह, नारी रोग, योनि रोग और बुखार, अर्श या पाइल्स और कृमि रोग नाशक होती है। इसकी जड़ त्वचा विकार, चर्म रोगों को ठीक करने में मदद करती है। कहा जाता है कि महामंजिष्ठादि काढ़ा पीने से 18 प्रकार के कुष्ठ रोग ठीक होते हैं। आयुर्वेद में कुष्ठ का अर्थ वो कोढ़ नहीं है जो आप समझ रहे हैं, वो त्वचा विकार है। जहाँ जहाँ आयुर्वेद में कुष्ठ का वर्णन आया, समझिए वहाँ त्वचा विकारों का वर्णन है। इससे एक तेल भी बनाया जाता है जो चेहरे की कांति को बढ़ा देता है। इसके अलावा इसमें मिलाई गई है कुटकी, जो पितृस्त्राव को विनियमित करने और यकृत के कार्य में सुधार करती है।
हरित की और आम्ल की यानी कि आंवला विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। इसके अलावा नीम और दारू हरिद्रांबे एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल जीवाणु रोधी गुण होते हैं और जो त्वचा के संक्रमण को रोकने और उसके इलाज के करने में मदद करते हैं। वहीं गुड़ूची यानी कि गिलोय के गुण से आप सभी परिचित हैं। ये बुखार और पुराने बुखार के लिए बहुत अच्छा है। मधुमेह नाशक संधि विकारों के लिए यानी कि जॉइंट पेन के लिए बहुत अच्छा है। हेपेटाइटिस और पीलिया में काम करता है और एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। कफ पित्त और वात तीनों दोषों पर संतुलन कायम करता है। मुस्ता जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट है। कैसे? ये है नागर मोथा। ये घास की जड़ है जो अपने आप उग जाती है और बारिश में ही उगती है, लेकिन ये बहुत सुगंधित होती है। इससे जो है अगरबत्तियाँ वगैरह बनाई जाती हैं, पर ये त्वचा रोगों पर बहुत बढ़िया काम करती है। अगर आपके बालों में बारिश के दिनों में बहुत खुजली होती है तो आप सिर्फ दही के साथ नागर मोथे के पाउडर को मिलाकर बालों में रब करेंगे तो उसके बाद बालों को धो लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सर की खुजली और डैंड्रफ से राहत मिलेगी। तो नागर मोथा एक बहुत ही बढ़िया इंग्रेडिएंट है त्वचा के लिए। इसके अलावा इसमें है विडंग। विडंग है वायवडंग यानी कि पेट के कीड़ों के लिए ये बहुत उपयोगी है। सोराइसिस खुजली प्रबंधन के लिए बकुची का इस्तेमाल किया जाता है। कुष्ठ रोग में बहुत लाभकारी है। साथ ही जो आजकल आप समस्या देख रहे हैं सफ़ेद दाग की, जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों का जो है पूरा शरीर सफ़ेद हो जाता है, वो समस्या जो बढ़ गई है उससे, जिसे हम विटिलिगो स्पॉट्स कहते हैं, उससे अगर आप शुरुआती दिनों में बकुची के पेस्ट को अपने मिलाकर शरीर पर लगाएं तो धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। और स्पेशली जो इसीलिए इसे बकुची को महामंजष्टादि में मिलाया गया है क्योंकि ये त्वचा रोगों के लिए एक चमत्कारी औषधि है। अब आता है देवदार। देवदार के पेड़ 100 से 200 साल तक जिंदा रहते हैं। जितना पुराना ये पेड़ होता है उतना ही इलाज के लिए फ़ायदेमंद होता है। ये सूजन, कफ, यूरिनरी डिस्चार्ज, ईचिंग, खुजली, माइंड डिसऑर्डर और फंगल रोगों के लिए बहुत लाभदायक है। इसके तेल को यदि आप घुटनों के दर्द या अर्थराइटस और सिरदर्द में लगाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। अब आता है चिरायता। चिरायता एक बहुत कड़वा इंग्रेडिएंट है जिसे हम किरता तिक्त भी कहते हैं। ये एक बड़ी गंभीर कड़वी जड़ी बूटी है जो विभिन्न प्रकार के बुखार, यकृत विकारों और त्वचा रोगों में बहुत लाभदायक है। साथ ही मधुमेह के लिए बहुत उपयोगी है। कुटच के बीजों को इंद्रजो कहा जाता है। ये जड़ी बूटी पुराने से पुराने दस्त और पेचिश के इलाज में लाभदायक है। ये कड़वी, कसैली, प्रकृति में हल्की और सूखी पर तासीर में ठंडी होती है। ये पेट के कीड़ों पर बहुत अच्छा काम करती है और ये त्वचा के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा इसमें मिलाया जाता है एक इंग्रेडिएंट जो है वो है दारू हरिद्र यानी कि दारू हल्दी। इसके बारे में मैं बताए बिना आपको नहीं रह सकती हूँ क्योंकि ये सूजन और सोराइसिस जैसी समस्याओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये मुहासों को प्रतिबंधित करने में मदद करता है यानी कि जब जो मुहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया हैं ये उनको रोकता है। इसीलिए दारू हरिद्रा की बहुत इम्पोर्टेंस है। ये एक लीवर टॉनिक की तरह काम करता है। शरीर में शक्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, शरीर में वसा कोशिकाओं के निर्माण को रोककर वेट मैनेजमेंट में भी मदद करता है। तो बाकी सबसे आप परिचित हैं, मुख्य मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं बताती हूँ कि आपको जो है महामंजष्टादि काढ़ा जो है इसके सारे फ़ायदे मैंने आपको गिनाए हैं। इसके अलावा जो इसके फ़ायदे हैं वो है रूमेटाइटिस यानी कि गठिया, अर्थराइटिस, चेहरे का पक्षाघात जहाँ पर आपको पैरालिसिस हो जाता है चेहरे का, फाइलेरिया, हेमटलेजिया, वसा और नेत्र रोगों में ये बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। ये पित्त दोष को शांत करने में विशेष रूप से प्रभावी है। अपने इसी गुण के कारण, क्योंकि शरीर का पित्त शांत होता है तो आपकी स्किन में दाह, आपके शरीर में दाह पैदा नहीं होती है, तो ये इसीलिए त्वचा रोगों में बेहतरीन काम करता है। क्योंकि ये काढ़ा रक्त प्रवाह में रुकावट को दूर करता है, उसे शुद्ध करता है, खराब वात दोष के कारण जोड़ों के दर्द को भी कम करता है। इसके साथ ही ये भी देखने में आया है कि कैंसर और हृदय रोगों में भी ये काफ़ी प्रभावी है।
इसके अवयवों में फ्री रेडिकल तंत्र होता है जो इन रोगों में एक सहायक औषधि के रूप में बहुत अच्छा काम करता है। देखिए, वैसे ये काढ़ा बिल्कुल सेफ है, पर यदि आपको गैस्ट्रिक अल्सर या गैस्ट्रिक इरिटेशन जैसी कोई भी समस्या है तो इसे लेने के बाद अगर आपको जलन की अनुभूति होती है तो आप इसे ना लें, अन्यथा इसे लेने में कोई भी परेशानी नहीं है। इसे शुगर पेशेंट यानी कि जो मधुमेह के रोगी हैं वो बहुत आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि इसका स्वाद कतई मीठा नहीं है, बहुत कड़वा है। और इसे गर्भवती स्त्रियों को नहीं लेना चाहिए, स्तनपान कराने वाली स्त्रियों को नहीं लेना चाहिए। अब बात आती है कि इसे कितना लेना है, इसकी मात्रा क्या है। तो देखिए, कोई भी औषधि, मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्प मात्रा से आप शुरू करें। जैसे आप शुरू में इसके खुराक 5 से 10 ml रखें। अगर एलर्जी या कोई भी समस्या गंभीर है या बहुत ज़्यादा आपको स्किन की परेशानी हो रही है तो 10 से 20 ml दिन में 2 बार बराबर मात्रा में गुनगुने पानी में मिलाकर भोजन के बाद लें। ध्यान रखें, इसे खाली पेट नहीं लेना है। आप इसे कम से कम 10 दिन लें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका 1 महीने तक सेवन करें, अवश्य फ़ायदा होगा। ये बहुत ही महामंजष्टादि क्वाथ जो है, बहुत ही प्रभावी एक क्वाथ है त्वचा रोगों के लिए। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।